हिमाचल प्रदेश ग्रामीण सांझा भूमि एक्ट 1972 के अनुसार जिन व्यक्तियों के पास जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं है, सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों को 10 कनाल 11 मरले भूमि देने का प्रावधान था, ताकि वे लोग भी उत्पाद कर सकें। लेकिन इस योजना का कुछ शक्तिशाली वर्ग के लोगों ने गलत फायदा उठाया। ऐसा ही एक मामला हमीरपुर के झनियारा में सामने आया है। झनियारा में दिलां देवी को राजस्व विभाग द्वारा 1974 में 10 कनाल 11 मरले जमीन दी गई थी। इस जमीन को पाने के लिए दिलां देवी ने कई गलत हथकंडे भी अपनाए। स्थानीय निवासी अश्विनी कुमार, सुरेंद्र धीमान, मदन लाल आजाद चंद ने आरटीआई के माध्यम से जुटाई जानकारी के बाद डीसी हमीरपुर से गुहार लगाई है कि गलत तरीके से सरकार को धोखा देने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो तथा अलॉटमेंट को रद्द किया जाए। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए अश्विनी कुमार, सुरेंद्र धीमान, मदन लाल आजाद चंद ने आरोप लगाया है कि उत्तक जमीन के मुद्दे पर जो भी दस्तावेज दिए गए थे वह सब झूठे थे। उन्होंने बताया कि जब सरकार के द्वारा जमीन आवंटित की गई थी, उस समय दिलां देवी अपने स्वर्गीय पति जो ग्राम पंचायत प्रधान थे के घर में रहती थी। जमीन हथियाने के लिए दिलां देवी ने सरकारी दस्तावेजों में जो शर्तें रखी थी उनको भी गलत भरा गया। यहाँ तक कि दस्तावेज में महिला ने अलॉटमेंट के समय अपने पिता को भी मृत घोषित कर दिया गया था, जबकि उस समय वह जीवित थे और महिला को पिता की संपत्ति में भी हिस्सा मिला था। दस्तावेजों में बताया गया है कि दिलां देवी परिवार से अलग रहती हैं, परंतु आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार यह महिला अपने संयुक्त परिवार के साथ रहती हैं। लेकिन जमीनी लालच के चलते महिला ने सरकारी दस्तावेजों में सब गलत जानकारी दी है और जमीन हथियाई है। मिली जानकारी में दिलां देवी ने खेतीबाड़ी भी नहीं की, जबकि अलॉटमेंट का मुख्य उद्देश्य खेतीबाड़ी करना था। अश्विनी कुमार, सुरेंद्र धीमान ने बताया कि इसकी जानकारी पहले भी जिला उपायुक्त को दी गई थी, परंतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने उपायुक्त से गुहार लगाई है कि गलत तरीके से सरकार को धोखा देने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो तथा अलॉटमेंट को रद्द किया जाए। जमेड़ा हिंदुओं में मिली, मौजा चिन्हारा में, दूसरी बार टीका चुनार मौजा चिन्हारा में। सर, आपने शिकायत के बारे में कहा जी, इसकी पहली शिकायत हमने डीसी को की, जिसकी इंक्वायरी आज 1.5-2 साल के तक अभी तक एसडीएम के पास पड़ी है। हमने पुलिस को भी इसकी कंप्लेंट की है कि इसने फ्रॉड करके जमीन लिया, इसके ऊपर 420 का केस किया जाए। मामला कब का है? मामला ये जमीन तो मिली है 1975 क्षेत्र में, लेकिन हमने जो कंप्लेंट की है वो 1.5-2 साल से कंप्लेंट। धोखाधड़ी किसने की? धोखाधड़ी इसने, जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट दिए, गलत फॉर्ज डॉक्यूमेंट दिए, फेब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट दिए, धोखाधड़ी उन्होंने की। हुआ कहाँ सर? ये चिन्हारा में हुआ, गाँव चिन्हारा। क्या नाम है सर? मौजा चिन्हारा और गांव चुनार। पहले इसको पंजाब विलेज कॉमन एक्ट के तहत 2 कनाल 1 मरला जमीन अलाउट हुई, दूसरी बार 10 कनाल 11 मरले जमीन अलाउट हुई। दोनों बार सरकारी जमीन अलग अलग तरीके से ली गई। इसका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जो गलत चीज़ हुई है वो ठीक की जाए और जो गलत करने वालों को उसकी पनिशमेंट मिले, सजा मिले। कोई रिप्लाई नहीं मिला, सिर्फ एसडीएम कोर्ट में इसकी तरीके पड़ रही है, इंक्वायरी हो रही है, बस। आप 6-7 फैमिली से जो केस लड़ रही है, बाकी तो पूरा पूरा गांव इफेक्टेड जो है वो सारे के सारे उनके नाम, एक मदन लाल, आजाद चंद, दिलां देवी, ख्याली राम और मैं खुद एस के तीमान।